प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और अब प्रज्वल के भाई पर भी रेप का आरोप लगा है। जेडीएस के विधान परिषद सदस्य सूरज के खिलाफ एक शख्स ने जबरन यौन संबंध बनाने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ हसन जिले के होलन रसीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 23 जून को एचडी देवी गोड़ा के दूसरे पोते और आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को भी अरेस्ट कर लिया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इससे पहले शनिवार को 22 जून की सुबह सूरज ने भी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दो लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और न देने पर झूठे यौन उत्पीड़न केस में फंसाने की धमकी दी गई है। सूरज ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज कराने वालों में सूरज रेवन्ना के साथी शिव कुमार भी शामिल है। वहीं अगर बात करें सूरज रेवन्ना पर लगे आरोपों की, तो शिकायतकर्ता वर्कर ने सूरज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बताया कि सूरज रेवन्ना ने मुझे 16 जून को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। वहां उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मेरे कानों को छूने लगे। मैं डर गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उन्हें धक्का देकर दूर धकेल दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक सूरज रेवन्ना ने उससे कहा कि वो जिले में राजनीतिक रूप से बढ़ने में उसकी मदद करेंगे। शिकायतकर्ता ने जब सूरज रेवन्ना से उसके यौन उत्पीड़न पर आपत्ति जताई तो सूरज ने सब ठीक हो जाने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक 27 साल के पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें, सेक्स टेप केस में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के अलावा उनकी मां भवानी रेवन्ना को भी अपहरण के एक मामले में अरेस्ट किया गया था। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को भी अपहरण और यौन उत्पीड़न के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।